के लिए रक्षक, दुश्मनों के लिए भक्षक। आसमान पर भी महिलाओं की उड़ान। कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में हाजिर। मेट्रो की कमान भी ये हाथ संभालते हैं। मेरे लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरे लिए। हेलमेट के साथ हिजाब का भी इन्हें रहता है ख्याल। नमस्कार, आपकी न्यूज का वक्त है इस वक्त और आपको छत्तीसगढ़ की ऐसी जाबाज महिला की कहानी हम बताने जा रहे हैं जो कि गरीबों की मसीहा है। ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में कई बार देखी होंगी, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाली स्मिता तांडी की कहानी असली है। हौसला, उम्मीद और लोगों की मदद करने का जुनून। छत्तीसगढ़ की इस महिला कांस्टेबल स्मिता टांडी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। स्मिता की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि वो गरीबों की मदद करेंगी तो उनके हौसले के आगे मुसीबतों ने भी घुटने टेक दिए। भिलाई में महिला हेल्पलाइन के सोशल मीडिया सेल में तैनात महिला कांस्टेबल स्मिता टांडी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। स्मिता ना सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, बल्कि उन्होंने समाज सेवा में भी अहम योगदान दिया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे नारी शक्ति अवार्ड दिए जा रहे हैं और इसके लिए मैं अपनी टीम को ही मैं इसका श्रेय मानूंगी और अपने घर को भी, जो इस वर्क को करने के लिए मुझे घर से कभी बंदिश नहीं की है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो करके। स्मिता के फेसबुक पर 7,78,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप जब स्मिता के फेसबुक फॉलोअर्स की इतनी बड़ी संख्या के पीछे की वजह सुनेंगे तो आप भी साहसी महिला कांस्टेबल के मुरीद हो जाएंगे। दरअसल साल 2011 में छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन करने वाली स्मिता तांडी जब 2013 में पुलिस ट्रेनिंग कर रही थी, उसी समय उनके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें बाहर रेफर कर इलाज की सलाह दी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। यहीं से स्मिता को गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करने की प्रेरणा मिली। स्मिता ने 2013 में फेसबुक अकाउंट बनाया जिसके जरिए वो जरूरतमंदों की कहानी पोस्ट करती हैं और लोगों से उनकी मदद करने की अपील करती हैं। स्मिता अब तक 20 से 25 गरीब लोगों की मदद कर चुकी हैं। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और जिस तौर से हम गुजरे रहते हैं हमें वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए। उस दुख को याद करके हमको उससे उभर के एक अच्छा कार्य करना चाहिए जो लोगों के बीच में और समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए। जिस बेटी ने समाज सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया हो, उस बेटी की कामयाबी पर माँ को बहुत नाज है। बहुत गर्व की बात है, मेरी बेटी इतना दूर पहुँची है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी है कि मेरे पास 4 बेटियाँ हैं और मेरी बेटी लोग बहुत अच्छे हैं। वही स्मिता के इस बेहतरीन काम से लोगों के बीच पुलिस की इमेज भी सुधरी है, जिसके लिए महिला सेल के अधिकारी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आरक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार पाना पूरे महकमे के लिए प्रसिद्धि की बात है और उसके कारण विभाग को एक नाम मिल रहा है कि अगर आरक्षक भी चाहे तो एक बड़ा मुकीम प्राप्त कर सकती है, तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्मों में लोगों की मदद करने वाले नायक तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन दुर्ग जिले की स्मिता तांडी ने अपने जज्बे और हिम्मत से साबित कर दिया है कि वो असल जिंदगी की हीरो हैं जो हकीकत में लोगों को जीवन दान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। हमारी अगली हीरो है निमोनी। निमोनी की कहानी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है। वो फ्रांस में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन ये तय किया कि वो समाज के लिए कुछ करेंगी, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करेंगी और इसके लिए भारत आकर भारतीय संस्कृति को अपनाया। वाकई निमोनी की कोशिश काबिल-ए-तारीफ है। भारत के लिए अपने वतन फ्रांस को छोड़ दिया। ये है फ्रेंच इंडियन गर्ल निमोनी। निमोनी की उम्र तो 34 साल है, लेकिन काम उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं। निमोनी को हिंदुस्तान अपना सा लगता है, भारत की हर बात उसे प्यारी सी लगती है, इसलिए निमोनी ने संस्कृत भाषा को अपना बनाया। निमोनी को उसका प्यार भारत ले आया है। खादी से उसे बेहद प्यार है। फैशनेबल फ्रांस की निमोनी खुद भी खादी पहनती है। निमोनी का खादी से प्रेम सिर्फ पहनने तक सीमित नहीं है, खादी को निमोनी एक खास मुकाम तक पहुंचाना चाहती है। I very much like khadi. I wear only khadi except for today. Khadi is the only way both to respect the tradition and to respect the people and their environment. गुजरात के अहमदाबाद में रहती है निमोनी। अहमदाबाद इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में गांधी जी ने खादी बनाना सीखा था। अहमदाबाद में ही निमोनी के दादाजी ने लंबा वक्त गुजारा था। जो कुछ सीखा, जो कुछ कमाया, अहमदाबाद में कमाया। निमोनी ने देखा कि भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए खादी एक बड़ा साधन है और इसीलिए निमोनी ने खादी को पहले तो खुद अपनाया, खादी पहनना शुरू किया और फिर एक नेक मकसद के साथ खादी को बढ़ावा देना शुरू किया। It's a very eco-friendly material. It employs poor people. It gives more employment to them. So it's a full ethical clothes and everybody should wear it. अहमदाबाद में सिर्फ एक ही जगह पर खादी बुनी जाती है। ये वही जगह है जहां धीमंत बढ़िया के परदादा ने गांधी जी को खादी बुनना सिखाया था। अब धीमंत बढ़िया परिवार निमोनी को खादी बुनना सिखा रहा है। निमोनी ने देखा कि खादी एक इंडस्ट्री है, इस खादी इंडस्ट्री में रोजगार की अपार क्षमता है। निमोनी अब लोगों को रोजगार देना चाहती है, आयुर्वेद पढ़कर बेसहारा असहाय मरीजों का इलाज भी करना चाहती है। I would like to spread Ayurveda. So, as a holistic science, not only of the body, but as a science of the soul and the mind and the body, yeah, I would like to do this in Gujarat, if possible. एक सकारात्मक सोच ने निमोनी को फ्रांस से भारत पहुंचा दिया। निमोनी अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण में लगा देना चाहती है। 132 करोड़ लोगों के देश भारत में निमोनी जैसे शुद्ध विचारों के लोगों की बहुत जरूरत है। निमोनी जैसे लोग होंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया।